हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, उनकी आज की क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं आप लोगों के लिए। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है या लीस्ट कॉन्टैक्ट है, तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। सो गाइस, रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी साइन है, आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें। आप लोग चैनल पर न्यू हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई मिस ना कर सकें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं बुकिंग के लिए, एंड ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टा आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पर गाइज आप लोग मस्ट फॉलो करिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप एनर्जीज एक्सचेंज कर सकें। सो अपने पर्सन पर फोकस करिए जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, वट एवर वो आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके एक्स हैं, आपके कोई करंटली पार्टनर हैं जिनके साथ आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है, बात बहुत कम हो रही है, तो आप देख सकते हो। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई फ्यूंसी है जिनके साथ आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है या उनके साथ बात ही नहीं हो पा रही आपकी, तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है, लाइक नो कॉन्टैक्ट है। चलिए अपने पर्सन पे फोकस करिए, वीडियो को लाइक करें एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं आप जिनके लिए रीडिंग को आप देख रहे हो, अपने पार्टनर्स अपने लवर्स के लिए, वो पर्सन जो है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट and shines my soul. Then we have Indian. I use my intuition in all aspect of life. Current feelings. Then we have change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Bottom of the deck have forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. I feel like yahan pe आप लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। यस, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। आई फील लाइक गाइज आप लोगों की यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, आप लोगों के पार्टनर्स आपके लवर के साथ। सो इस टाइम जो है आपके ये जो जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर्स हैं, वट एवर आपके लवर हैं, वो इस टाइम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज ऑल अवर जो हमारे पास एनर्जी थी वो फॉरगिवनेस की थी, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम इस लाइक उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई है। सो ये पर्सन को अब समझ आ गई, इस पर्सन ने एक्नॉलेज कर लिया कि इस पर्सन की अपनी गलती है और इसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सो डेफिनेटली ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ताकि आप दोनों के दरमियान जो ब्लॉकेजेस हैं, आपके जो इस लव में, जो कि फ्लो में उस लव को चलने नहीं दे रहे, उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर्स या ब्लॉक सिचुएशन है तो ब्लॉक सिचुएशन को भी ख़त्म करके आपके साथ कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है। बट इस टाइम ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बिकॉज ये चेंज जो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइजिव हो रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इनसे फैसला नहीं किया जा रहा अभी कि बेसिकली ये किस तरह से इन सब जो आपकी लव लाइफ है उसको कैसे चेंज करें, जबकि ये अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन इस टाइम आपके पार्टनर्स को पता है कि जब तक ये मूवमेंट कोई नहीं लेंगे, तब तक आप लोगों का ये लव कनेक्शन जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, ना आपकी ये जो लाइफ है रिलेशनशिप की वो चेंज होगी। सो ये उस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि आप लोगों से माफ़ी कैसे मांगे, बिकॉज दिस पर्सन वांट टू अपोलोजाइज यू, ठीक है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर भी दो, अदरवाइज़ इस पर्सन की लाइफ काफ़ी बोरिंग है और आपके बिना जो है बात ना होने की वजह से। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास हेल्थ का, इट मींस कि इनकी हेल्थ काफ़ी इफेक्ट हो रही है। इस पर्सन की फिजिकल हेल्थ, इस पर्सन की मेंटल हेल्थ, इस पर्सन की सोल बेसिकली बहुत डिस्टर्ब है। आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में सोच सोच के आपके जो ये पर्सन है, इनका हेल्थ काफ़ी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। इसीलिए ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं आप दोनों के दरमियान। बट इस टाइम इंट्यूशन सुन रहे हैं, बट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा फैसला लेना मुश्किल है कि इनको आपसे माफ़ी मांगने के लिए लाइक क्या आप इनको माफ़ करोगे, ये यहाँ पे चीज़ें हैं, जबकि ये आपके साथ चेंज करना चाहते हैं अपने इस कनेक्शन को और सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये समझ चुके हैं कि जब तक कोई मूवमेंट नहीं लिया जाएगा, उसके बिना आपका जो ये प्यार है वो बिल्कुल भी जो है ना वो बढ़ेगा नहीं आगे, और ना ही जो है चीज़ें वो बेटर होंगी, और ना ही आपकी जो लव लाइफ है वो ग्रो कर पाएगी, ठीक है। सो काफ़ी मैसी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। चलिए आप टैरो से देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका क्या फीलिंग्स हैं, लीस्ट कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप, उनके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे रिवर्स की मैं लेती नहीं हूँ, बट आई फील लाइक कि पर्सन जो है आपको मैसेज करना चाह रहा है, बट कन्फ्यूजन की वजह से
कर नहीं पा रहे. व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आई थिंक कार्ड्स मुझसे कुछ यहाँ पे जल्दी जल्दी में जो है ना थोड़े से रिवर्स हो गए हैं कार्ड. वेट गाइस, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी. देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्चून सैजिटेरियस. देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. एंड देन वी हैव द मून पाइसिस. व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फीलिंग्स के पार्टनर्स. देन वी हैव टेन ऑफ वैंड्स. यहाँ पे मुझे पूरा टोटली नज़र आ रहा है गाइस कि आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ है. लाइक आप लोगों की आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही. देन वी हैव एट ऑफ वैंड्स सीरियसली और सैजिटेरियस. देन वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स. यहाँ पे वैंड्स की बहुत एनर्जी है, फायरी एनर्जी. एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स सीरियसली और सैजिटेरियस. इस टाइम आपके पार्टनर्स आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं. आप लोगों के दरमियान जो फाइटिंग वगैरह हुई है, जो भी आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे लग रहा है आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ है. यहाँ पे बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के इस कनेक्शन में. दैट्स वाई जो है ना आपका कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाया. कुछ लोगों के पार्टनर्स की मदर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, या फैमिली की वजह से. फैमिली उनकी इन्वॉल्व थी जो कि नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ इस पर्सन का कोई कनेक्शन बने, रिलेशनशिप बने, या आगे कोई भी फर्दर आप लोगों की इनसे यू नो कोई कमिटमेंट हो या शादी वगैरह हो. उस सिचुएशन में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं. अगर वो नहीं रहे तो कुछ और लोग यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रही है बाहर के लोगों की. अब वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके किसी तरह के जानने वाले हो सकते हैं. तो आपके पार्टनर इस टाइम बेसिकली महसूस क्या कर रहे हैं गाइस? इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है. जैसे मैंने आपको बताया इनकी हेल्थ ख़राब है, तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है ये पर्सन. इसको लग रहा है सारी गलती इसकी है, सारा कसूर इसका है. दैट्स वाई इनकी अब आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है. सो ये आपसे यहाँ पे पेजेस टू पेजेस की एनर्जी है. पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंड्स. आपके पार्टनर्स जो हैं आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं. सब जो भी आपके दरमियान इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं. इस सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है ये पार्टनर आपका. बट इस टाइम आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन. दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड. मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन आपका किसी तरह का कोई फ्रेंड है. फ्रेंड नहीं है तो कोई कलीग हो सकता है, आपका वर्क प्लेस सेम हो सकता है. बट ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं. इनकी नज़र आप पे है. क्यों नज़र है? बिकॉज ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करके. यस, इनको फील होता है जैसे आप लोगों के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. आप दोनों को दूर कोई भी नहीं कर सकता, ना ही आप दोनों खुद को एक दूसरे से दूर कर पा रहे हो. इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आई आप लोगों के लिए हाई हैं, बट ये कंफ्यूज हैं कि आपको अपने इमोशंस किस तरह से बताएं. बिकॉज काफ़ी अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस हो रही है. एट ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. बहुत अट्रैक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ महसूस हो रही है. ये पर्सन आपको देखता है काफ़ी गुड लुकिंग हो, काफ़ी गॉर्जियस हो आपकी पर्सनैलिटी, काफ़ी हैंडसम हो आप लोग. आप लोगों का बात करने का स्टाइल, आप लोगों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इंडिपेंडेंसी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. आप मैसेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. सो आई फील लाइक आप लोग बहुत जल्दी इनकी तरफ से गुड न्यूज़ रिसीव करोगे. दिस पर्सन कुड बी कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, बट मुझे स्पेशली यहाँ पे एनर्जी मैसेज की आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू. ये पर्सन आपको मैसेज कर सकता है और आपको बता सकते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं. जो आप दोनों के दरमियान इशू है उनको रिजोल्व करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के दरमियान दोबारा से कनेक्शन जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के पास आना, आप लोगों से माफ़ी मांगना, वो करने के लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर है आप लोगों के इस कनेक्शन में. मे बी आपको काफ़ी लोग चाहते हैं, ठीक है. लाइक इस पर्सन के अलावा भी आप लोगों में कोई लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जहाँ से इस पर्सन को लगता है आप लोगों को पाना इस पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट है. उस सिचुएशन में इस पर्सन को बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस फेस करने होंगे. बट इट्स नॉट एन ईजी कनेक्शन. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके इस कनेक्शन की, जो इस पर्सन को महसूस हो रही है आप लोगों को अप्रोच करने में. और उसी वजह से इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके शोल्डर्स पे आप लोगों के साथ बुरा करने की. एक गिल्ट हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है. बट इन्होंने काफ़ी हद तक इस पर्सन को यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, किस्मत पे इस पर्सन को ट्रस्ट है कि आपका अगर किस्मत में मिलन है, किस्मत में मिलना है, तो उसको नोबडी कैन स्टॉप. चाहे फिर दरमियान में कितने ही
प्रॉब्लम्स, कितने ही डिफ़िकल्टीज कोई ना कोई क्यों ना क्रिएट कर ले, अगर आपका किस्मत एक दूसरे के साथ है तो डेफिनेटली आप लोग एक हो जाओगे, आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता, इतना इस पर्सन को डेस्टिनी पे बिल्कुल ट्रस्ट है, ठीक है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज कन्फ्यूज, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये कन्फ्यूज हैं। बट कुछ हद तक कुछ लोगों को अपने मदर की तरफ से अगर प्रॉब्लम है तो उनको अपनी मदर का डर है, शायद उनकी मदर ने उनको मैनिपुलेट किया है आप लोगों के अगेंस्ट, बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स यू, चाहे उनकी मदर आपके बारे में कुछ भी बुरा बोल ले उनको फिर भी आप चाहते हो। तो मदर इनकी मुझे लगता है इस पर्सन को जो है ना थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही है, जिसकी वजह से इनकी इंट्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ रहने का कहती है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज है। इस टाइम ये पर्सन क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ है, मतलब दिस पर्सन नॉट क्लियरली डिसाइडेड के वट दे वॉन्ट टू डू, ठीक है। आइडिएशन मे बी आप लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पे कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों की नेशनैलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं यहाँ पे। देन वी हैव प्रोटेक्शन, बट ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं आपके पार्टनर दिस टाइम, ठीक है। यहाँ पे दो लोग हैं, इट मीन्स ये पर्सन कमिटेड होना चाहता है आपके साथ, ठीक है, चीज़ों को ऑफिशियली करना। कॉन्शियसनेस, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस पर्सन का दिमाग हर टाइम आपके बारे में सोचता रहता है कि किस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन को आगे बनाना है, बिकॉज ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एनर्जी, इनकी एनर्जी काफ़ी हाई है और काफ़ी पॉजिटिव है आप लोगों को लेके, डेफिनेटली अपने आप को दूर भी कर पाए तो दूर नहीं कर पाते क्योंकि ये पर्सन आपसे लव करता है, दैट्स वाई यहाँ पे लव की एनर्जी है। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इनको, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन 8 days या 8 weeks में, मोस्टली मुझे 8 days में लग रहा है, कुछ लोग 8 hours के अंदर भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, और मोस्टली यहाँ पे मुझे 8 weeks की भी एनर्जी आ रही है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान में कुछ स्पेस है जो कि ये पर्सन जो है उस स्पेस को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। गलती जो इन्होंने की है आपके साथ जो भी कोई झगड़े वगैरह हुए हैं, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ये उनको रिजोल्व करना चाहते हैं और अपनी गलती किसी की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। अब देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपको। सो आपके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है तो, क्योंकि इस पर्सन की तो अच्छी नहीं है तो मुझे लगता है आप लोगों की भी हो सकता है ना अच्छी हो। अबंडेंस, कॉम्प्रोमाइज एंड यू आर रेडी, आप लोगों के लिए अबंडेंस आ रही है बट उसके लिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है और आप लोगों को किसी चीज़ में हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ जाए, ठीक है। तो अबंडेंस तभी आएगी जब आप किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, बट आप लोगों के लिए आप रेडी हो इस टाइम, अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए आप लोग रेडी हो। आई थिंक आप लोग वर्क कर चुके हो सारा अपना इनर वर्क, बट अगर आप लोगों की हेल्थ ख़राब है तो उस पर फोकस करने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।